मैं साथ बैठा हूँ शायद इसलिए खूबसूरत लग रही है, या वो मेरे साथ बैठी है मैं इसलिए खूबसूरत लग रहा हूँ। मुस्कान का मतलब क्या है? स्माइल है जैसे मेरी। स्माइल नहीं है। मुस्कान अगर एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? घर में बैठी होती। अगर हम आपको एज ए हीरोइन कास्ट करते हैं, किस हीरो के साथ आना पसंद करेंगे? मोहम्मद राना। कितने पैसे लेंगी मूवी के? जितने मिल गए। मेरा बजट है 1250 का, चलेगा? आपके साथ तो फ्री में भी चलेगा। कैसा लड़का पसंद है आपको? मुझे मूंछों वाला। और कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? उसकी मूंछें हो, दाढ़ी हो, थोड़ी डैशिंग लुक हो, थोड़ा पर्सनालिटी हो, उसकी पता चले लड़का है। देखिए पर्सनालिटी आपकी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज आप देख रहे हो एक बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस मेरे साथ बैठी हैं। मैं साथ बैठा हूं शायद इसलिए खूबसूरत लग रही हैं, या वो मेरे साथ बैठी हैं मैं इसलिए खूबसूरत लग रहा हूं। कोई ना कोई मसला तो है, लेकिन हम दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। नाम है इनका मुस्कान जट, और ये जट हैं, और जटों से मैं वैसे बड़ा डर के रहता हूँ, लेकिन तबीयत ये ज़रा मुस्कुराहट वाली है, इसका मतलब मैं डर के बात ना करूँ, खुल खुला के बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुस्कान जट जी। मुस्कान का मतलब क्या है? मुस्कान का मतलब स्माइल है जैसे मेरी। बड़ी स्माइल नहीं है। नहीं नहीं ऐसी ऐसे। अच्छा मुस्कान, कितना अरसा हो गया आपको थिएटर लाइन में? मुझे आई थिंक 12 साल। 12 साल कहाँ थी, मुझे नजर ही नहीं आई इतने अरसे से। इतने ड्रामे इकट्ठे किए हैं, फिर भी कहता मुझे नजर नहीं आई। नहीं वो ड्रामे तो इकट्ठे किए लेकिन नजर नहीं आया मुझे, कोई इधर उधर ही थी। मुस्कान अगर एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? एक्ट्रेस ना होती तो घर में बैठी होती, एक सिंपल सी लड़की होती। मजबूरी? मुझे डांस का शौक नहीं था, ना मेरी मजबूरी थी, बस ऐसे ही फील्ड में आ गई। उसके बाद दुबई गई हूँ। कौन से पाकिस्तान और बाहर के ममालिक में काम में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। सिक्योरिटी कहाँ पर, यहाँ पर या बाहर के ममालिक में? सिक्योरिटी दोनों में सही है, वहाँ पे भी ऐसे ही है, लाहौर में भी ऐसे ही है। टीवी में काम किया? हाँ टीवी में किया। फिल्म की? एक मूवी की है बस। वो अच्छी नहीं हुई? बस टैली मूवी की थी। टैली मूवी नहीं, हम आपको बड़ी मूवी करवाएंगे। शान पाकिस्तान, आपको पता नहीं कि शान पाकिस्तान लड़कियों को स्टार बनाने आया है। अगर हम आपको एज ए हीरोइन कास्ट करते हैं, किस हीरो के साथ आना पसंद करेंगे? मोहम्मद राना। मैंने सोचा था शायद आप जाहिद खान कहेंगी, तो मैं अभी आपको कास्ट कर लूँगा। कितने पैसे लेंगी मूवी के? जितने मिल गए। देखिए जी मेरा बजट है 1250 का, चलेगा? आपके साथ तो फ्री में भी चलेगा। ओके ये मेरी दोस्त है इसलिए ये फ्री में भी मेरे साथ मूवी करेंगी। अच्छा मुस्कान ये बताएं, आप फैन वगैरह दोस्त वगैरह तो बनाती हूँ? मैं दोस्त नहीं बनाती। फैन तो सबके होते हैं, जाहिर बात है फील्ड में हूँ, काम कर रही हूँ, सेट पे होती हूँ, फैन तो बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। कैसे बनते हैं? हम लड़के काम करते हैं, हमारा तो कोई फैन नहीं बनता, आपके कैसे बन जाते हैं? आप में और मुझ में डिफरेंट है ना, मैं लड़की हूँ आप लड़का है। आप भी फील्ड में परफॉर्म करती हैं, मैं भी फील्ड में परफॉर्म करता हूँ। मैं किसी से कहूँ ना कि आप मुझसे दोस्ती करेंगे तो चले, और आपके पीछे पीछे लोग गिफ्ट लेके फिरते हैं। वो बात ये कि हम परफॉर्म करते हैं, आप जस्ट एक्ट करते हैं। एक्ट ज़्यादा मुश्किल है, जूते करना, परफॉर्म करना, डांस तो ये है ना, दो दफ़ा ऐसे ऐसे किया, एक दफ़ा ऐसे ऐसे किया और गए। नहीं नहीं ये ऐसे ऐसे से डांस नहीं आता, ये आपकी भूल है। डांस सीखने में बहुत वक्त लगता है, और डांस एक काम है, अगर कोई सीखे तो। आप ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, डांस हो गया, ऐसे ऐसे डांस नहीं होता। ओके डांस सीखने से आता है, और मैं सीख के आपके मुकाबले में खड़ा होऊंगा। ओके डन। और मैं भी फैन और दोस्त बनाऊंगा ताकि मैं सारी लड़कियों को पीछे छोड़ दूंगा। ओके डन। डांस के साथ ही बनते ना, कोई बात नहीं, लड़के भी डांस करते हैं, मैं भी डांस सीख लूंगा। फिर आप ऐसा करें कि हमारी जरा लड़की बन जाए ना, लड़कियों वाले कपड़े पहने, मेकओवर करें, फिर ही है ना। शादी की अभी नहीं? अभी नहीं। अच्छी बात है, करनी भी नहीं चाहिए। कब, जब तक आपको हैंडसम लड़का ना मिले आप शादी मत करें, ऐसी बात है?
ऐसा ही है। शादी आप थिएटर में करेंगे, थिएटर से बाहर करेंगे? मैं फैमिली में। शादी के बाद थिएटर छोड़ देंगे? अगर छोड़ना पड़ा तो छोड़ भी दूंगी। कैसा लड़का पसंद है आपको? मुझे मूछों वाला। और कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? उसकी मूछें, दाढ़ी हो, थोड़ी रैशिंग लुक हो, थोड़ा पर्सनैलिटी हो, उसकी पता चले लड़का है। देखिए पर्सनैलिटी आपकी नहीं है। देखें जरा मूछी दाढ़ी लुक देखें जरा। कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं मुझे चाहिए, मुझे KGF जैसा चाहिए। KGF कौन है? आपको KGF का नहीं पता? वो जो मूवी में आता है। हाँ, KGF मूवी देखी है? बहुत सुपरहिट मूवी है, उसमें वो जो हीरो है ना, मुझे वैसा हीरो चाहिए। एक साल ठहर जाए, मैंने मूछी दाढ़ी बढ़ा देनी है और तुप लवानी टकामी रंग हो ना मेरा काला चाह तो मैं KG बन जाना। ऐसा KGF मुझे नहीं चाहिए। तो KG ऐसा ही है, रंग उसका चढ़ता पक्का हैगा, मूछा दाड़ियों दी वधी हुई टकामियां करके पता नहीं नाई को गया नहीं गया, तो KG बनना कड़ा औखा काम है। मैं अगले साल KG बन के तेरे सामने आवांगा। KG नहीं, KGF। KGF के का मतलब हैगा काका जी, का मतलब है जा, ते एफ का मतलब है फजूल। वो बात नहीं है। चले KGF के साथ आप शादी करेंगे? KGF इंडिया में रहता है। साथ शादी नहीं करूंगी, उस जैसे लड़के के साथ शादी करूंगी। जितने भी मोहल्ले में जो मूछे दाढ़ी बढ़ाई हुई हैं, जिनको कोई काम नहीं है, वो हमसे ये उनसे शादी करना चाहती है, इनसे रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है? कमेंट्स बॉक्स में इनसे नंबर दे दिएगा। और दे ही ना देना, अन्य वहाँ नंबर आ जाने कमेंट्स बॉक्स, बाद मैं ही संभालता फिर हम। अच्छा शान पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं। शान पाकिस्तान आपके पास चल के आया, आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने बिल्कुल मिट्टी कर दी है। शान पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहिए आपको? आपको कहना पड़ेगा। कुछ भी नहीं कहना शान पाकिस्तान के लिए, कुछ भी नहीं कह सकते। शान पाकिस्तान खुद एक ब्रांड है, उसको कहने की जरूरत नहीं। शान पाकिस्तान को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं हूँ आपका देसी एंकर जाहिद खान और हमारे साथी मुस्कान जट। मुस्कान जट थी। मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।